एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी गैलरी। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वाटिका का एक शैम्पू। तो वाटिका जो है वो वेल नोन ब्रांड है जो कि हर्बल और नो केमिकल जो है प्रोडक्ट बनाने में फेमस है। तो आज की वीडियो जो है वो इट्स ऑल अबाउट द वाटिका शैम्पू। सो ये है वाटिका का मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू मॉइस्चराइज एंड स्मूथ। सो आई थिंक मैंने जो शैम्पू लिया था वो मैंने अनियन शैम्पू लिया था, आई डोंट नो, बट दे सेंट मी दिस मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू। पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह की आती है, मतलब ग्रीन सा कलर है, जो ऑलिव ग्रीन कलर होता है वो है, और ये पंप के साथ आती है, और यहाँ पे इसकी जो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो दिया गया है, और इसके अलावा कैसे इसे यूज़ करना है ये वाला सब कुछ दिया गया है। और ये कहते हैं कि इसमें विटामिन ई है, प्रो विटामिन B5 है, जो ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्लेम करते हैं नो पैराबन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन। सो जो आर्गन ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और झड़ने से रोकता है, मतलब कि जितनी भी हमारी हेयर की प्रॉब्लम होती है उन्हें रिड्यूस करता है। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनर वाला प्रोडक्ट कैसा है। तो ये कुछ इस तरह के वाइट कलर में आता है, ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक है ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, यू कैन सी। और इसमें ना एक ऑयल लाइक कंसिस्टेंसी है, जैसे ऑयल होता है ना शैम्पू में मिक्स किया हुआ, बिल्कुल वैसा है। तो इसकी जो स्मेल है जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है, आई डोंट नो। ये मैंने एक टॉफ़ी भी खाई हुई है, बिल्कुल वैसी है। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं टॉफियाँ जो है अपने सर पे लगा रही हूँ जो कि। सो ये वाला शैम्पू जो है वो काफ़ी अच्छे से लेदर प्रोड्यूस करता है, मतलब इतना सा अमाउंट देना पड़ता है आपको, बहुत कम अमाउंट में शैम्पू लेना है और अपने बालों में अच्छे से जो है लगा लेना है और उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत कम शैम्पू पड़ता है और आपके बालों में बहुत अच्छे से लेदर प्रोड्यूस हो जाती है। तो जितना भी आपने ऑयल किया हुआ है एक बार में ही ये सारा का सारा ऑयल जो है आपके बालों में से रिमूव कर देता है, मतलब ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। बस ये हमारे बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, ये हमारे बालों का जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है उससे मेंटेन करता है और उसे उन्हें सॉफ्ट और सिल्की रखता है। मतलब मैं इसे यूज़ करने के बाद कभी भी कोई भी कंडीशनर वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती हैं, एंड स्टिल मेरे बाल जो होते हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट, सिल्की और मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड रहते हैं, बिल्कुल भी ड्राई या फिर रफ नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड शैम्पू। और ये हमारे बालों को जो है डिटैंगल भी करता है, मतलब मेरे बाल जो है, मैं पहले होते थे कि मेरे बाल इतने उलझे रहते थे धोने के बाद भी, बट जब से मैंने इस शैम्पू को यूज़ किया है तो मेरे बाल जो है वो डिटैंगल रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो उलझने नहीं पड़ती हैं। जब से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मेरे को हेयर फॉल जो है वो कम हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, बट जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मेरा बाल जो है वो कम टूटते झड़ते हैं और मुझे मतलब फ़र्क दिख रहा है। सो इफ़ यू हैव हेयर फॉल और ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप जो है ये वाला शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है और पैराबेंस नहीं है तो ये आपके बालों के लिए हार्मफुल भी नहीं है। सो If you are looking for a very affordable argan oil shampoo, तो आप definitely ये वाला shampoo जो है वो try कर सकते हैं, आपको अच्छे result दिखेंगे, क्योंकि मैंने ये खुद अपने आप पे try किया है और मुझे काफ़ी फ़र्क भी नज़र आया है। और या गाइज, अगर आपने ये वाला shampoo जो है वो try किया हुआ है तो please let me know अपना experience in the comments section कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय, एंड टेक केयर।